सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अन अकेडमी नीट। तो यार अभी अभी हमने डिस्कस किया पूरा 180 ऑन 180 प्लान, कैसे हम लोग एकदम डिटेल में हर एक यूनिट आपका कवर करने जा रहे हैं ऑन यूट्यूब। क्या आप मेरे साथ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ पढ़ पाएंगे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही मजेदार यूनिट से, विच इज मोल कॉन्सेप्ट। तो आज आपका पहला सेशन है, क्लासेस हर दिन आपकी 8 बजे स्टार्ट होगी यार। लेकिन आज क्योंकि अभी अभी हमने देखा आपका एक सेशन हुआ था, तो इसीलिए हमने ऐसा 15 मिनट्स का ब्रेक लिया। बट देन एवरी डे आई विल सी यू ऑल 8 PM और इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन होगा 3 बजे स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, पर मेरे को यहां पर बहुत सारा जोश दिखाई देना चाहिए यार इन द चैट सेक्शन। देखो पहली क्लास है, दिल तुम्हारा भी था कि यार मतलब बस यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाए, है ना। डेली मेरे को इधर उधर बोलते हो और इसीलिए अभी हम लोगों ने मेधावी शॉर्ट्स भी किया, बाकी भी सब कुछ। बट देन आई रियलाइज्ड कि अभी जो चीज आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वो है कि डिटेल में हर एक यूनिट आपका यूट्यूब पर कवर हो पाए, तो वैसा ही अभी हो रहा है ना। तो जोश एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा लगना चाहिए कि कितने एक्साइटेड हैं आप और कितना इन्वॉल्वमेंट आप अपनी तरफ से दिखा पाते हैं और कितना कंसिस्टेंटली आप ये सेशंस को फॉलो करेंगे इज व्हाट विल कीप यू एंड मी मोटिवेटेड थ्रू आउट। सो हम लोग यहाँ पर यार क्लास 11th के ये यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, विच इज वन वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार यूनिट होने के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। यहां से क्वेश्चन आएगा, आई कैन अश्योर यू कि 110% आप क्वेश्चन तो ठीक ही कर आओगे। अच्छा इंटरेस्टिंग मजेदार यूनिट होने के साथ साथ ये वन ऑफ द फाउंडेशन यूनिट बनता है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि फिजिकल में ऐसा वैसे होता नहीं है कि एक टॉपिक दूसरे से कोई बहुत ज्यादा लिंक्ड है, यहां कोई ऐसा खास सीक्वेंस फॉलो करना नहीं पड़ता है। जैसे फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि यार इसके बाद ये करेंगे तभी बात बन पाएगी, नहीं, रैंडम आप पिक कर लोगे तो भी चल जाएगा थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के साथ। तो वैसा ही यहां पर भी है, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं यार, जिसमें कि हम लोग आज अलग अलग तरीके के मासेस को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ आप लोगों को ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत आप लोग ऐसा कंफ्यूजन में रहते हो कि यार एटॉमिक मास, फिर कहते हैं आपका मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, किसी का यूनिट होता है एटॉमिक मास, यूनिट कोई होता है AMU, कोई यू है, कोई ग्राम है, कोई ग्राम पर मोल है, सब तो इवेंचुअली मास ही है, फिर इतना डिफरेंस उनके अंदर क्यों है, वो सब कुछ आप आज के सेशन में सीख पाएंगे। सो मेक श्योर कि सेशन को एकदम एंड तक आप लोग देखें। और यार अभी तक जितने स्टूडेंट्स यहां पर मेरे साथ जुड़े हैं, मेक श्योर यू हैव शेयर्ड दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड यू हैव हिट द लाइक बटन, सो दैट यार आकांक्षा मैम को भी तो पता चल पाए कितना जोश है आपका, कितनी एक्साइटमेंट है, और अटेंडेंस वैसे ही मार्क होगा कैसे सेशन को लाइक करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप मुझे नहीं जानते हैं तो आई एम आकांक्षा, मैंने मास्टर्स किया है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। साथ ही साथ डेली अभी हम लोग ऐसे 8 बजे मिलने जा रहे हैं, पूरा डिटेल्ड हम लोग का क्या प्लान रहने वाला है वो जस्ट अभी एक सेशन पहले मैंने डिस्कस किया, तो मेक श्योर आप उस सेशन को भी देख लें सो दैट आपको एक क्लैरिटी के साथ आप मेरे साथ आगे बढ़ पाए ये पूरे कोर्स में। इसी के साथ आपको लगता है कि यार एक बढ़िया टीम के साथ जुड़कर क्लियर रोड मैप के साथ 100% इसी बारी में हमें किसी भी हाल में अपना सीट सिक्योर करना है, देन दिस इज द बैच फॉर यू। वी आर वेटिंग फॉर यू हियर इन ब्रह्मास 3.0 बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of September, जहां पर मेरा पहला ओरिएंटेशन क्लास होगा, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सुनूंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपकमिंग मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं विद अलॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल एज विद इनफ टाइम फॉर रिविजन। सो मेक श्योर यू ज्वाइन मी और मेरे साथ आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अच्छा लगता है आपको मेरे साथ पढ़ना, तो सोचिए कि जब हम ऐसा जुड़ेंगे वन ऑन वन तो क्या नेक्स्ट लेवल पर आपकी तैयारी पहुंच पाएगी। कोड यूज करेंगे एके लाइव, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, क्या होगा कि आप पूरे टीम के साथ जुड़ जाते हो, है ना। कोड एके लाइव आपने लगाना है, पर अनअकैडमी में जितने टीचर्स हैं, जितने बैचेस हैं, सबसे आप बात कर सकते हैं, सबकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक बच्चा सबकी तो नहीं करता है, जिनको भी आप पसंद करते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, सबका गाइडेंस, सबका मेंटोरशिप आपको मिलता है। और मैं हमेशा कहती हूँ हम जो यहाँ मिले यार, खुद मैं अलग नहीं हूँ आपसे, हमारा सेम ही गोल है कि हमें पूरी मेहनत करनी है और इसी बार अपना सिलेक्शन गारंटी करना है। 20% ऑफ डिस्काउंट आपके पास चल रहा है, मौका मैं हमेशा कहती हूँ, वापस से आपको ध्यान दिला रही हूँ कि यार मौका हर किसी को नहीं मिलता है, बार बार तो पक्का नहीं मिलता है, तो मेक श्योर व्हेन यू हैव इट यू ग्रैब इट। सो यू हैव दिस 20% ऑफर गोइंग ऑन बोथ ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक। कंफ्यूजन हो तो गो विद आइकॉनिक, क्योंकि वहां पर आपको गाइडेंस मिल जाएगा, पर्सनल मेंटोर मिल जाएंगे,
तो यूज द कोड AK लाइव एंड डिस्काउंट मिल जाएगा यार आपको, ठीक है। चलिए अभी आते हैं मूल कॉन्सेप्ट के पास, और बहुत ध्यान से हमें चीजों को समझना है, बहुत मजा आएगा ये तो मैं जानती हूँ आपको, लेकिन और ये भी मुझे पक्का पता है कि आपको सब कुछ समझ भी आ जाएगा, ठीक है, मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, समझ भी आएगा। पर एक प्रॉमिस आपको मुझे कर जाना है इधर कॉमेंट सेक्शन में कि यार जिस दिन आपको जो पढ़ाया जाएगा आप उस दिन उसका उतना रिविजन कर लेंगे, उतने नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे सेम डे, है ना। दिस इज माई वेरी रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि यार जिस दिन जितना पढ़ा रहे उस दिन उतना प्लीज घर पर रिवाइज करिए और उतने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, है ना। बहुत हैवी टारगेट्स अपने आपको पहले से नहीं देने कि यार ये भी कर लेंगे इतना एक दिन में, फिर कभी हो ही नहीं पाता है। धीरे 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 अपना थ्रेशोल्ड बढ़ाना है और मुझसे प्रॉमिस कर जाना है कि मैम जो आप पढ़ाएंगी वो हम आज के आज रिवाइज भी करेंगे और साथ साथ उतने नोट्स पूरे भी कर लेंगे। अगर तुम उतना करते हो यार बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर कल के दिन यानी कि नेक्स्ट हर दिन के बाद आपका अगले दिन प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, तो क्वेश्चंस भी हो रहे होंगे, आपके नोट्स भी पूरे होंगे, आपका रिवीजन भी चल रहा होगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा होता है, हम ऐसा खुशी खुशी में रहते हैं कि चलो यार सब कुछ समझ आ रहा है, मैम तो अच्छा पढ़ा रही है, वो सब ठीक है। कितना भी अच्छा आपको समझ आए आप रिवीजन नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, उसका बहुत कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आप चीजों को भूलते जाएंगे, प्लस नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा नोट्स बनाने में। तो मेक श्योर ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। इसी के साथ मूल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, विच इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड द वेरी फर्स्ट यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूजुअली पढ़ते हैं अपने आसपास की चीजों के बारे में, जो फिजिकल है, फिजिकली फील हो पा रही है, दिख पा रही है, जैसे मैं हूं, आप है, चेयर, टेबल, जिसका फिजिकल प्रेजेंस है या फिजिकल फील आप ले पा रहे हो, है ना, वैसी चीजों को। और ऐसी चीजें क्या कहलाती है, मैटर कहलाता है। मैटर मतलब हर वो चीज जो जिसका कुछ ना कुछ मास है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हर चीज क्या है, मैटर है, है ना। जैसे कि पेन, पेन को देखो यार, अब यार ये पेन का कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, और ऐसे इसको जहां भी रखेंगे ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, तो जगह तो ऑक्यूपाई करेगा ही, प्लस इसका मास भी है, तो ये क्या है, मैटर है। ऐसे आसपास आई थिंक जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो दे आर ऑल मैटर। तो यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं मैटर जो हमारे आसपास है उसकी। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि पहली क्लास जो हमारी है उसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि यार कितने तरीके के हमारे पास मास होते हैं, कब कहते हैं कि एटॉमिक मास है, कब मोलर मास होता है, कब मॉलिक्यूलर मास होता है, सबकी यूनिट अलग अलग कैसे होती है, यूनिट को कैसे ध्यान रखना है, और यू नो उनकी डेफिनेशन, ऐसा बुक्स में पढ़ते हो ना कि कार्बन 12 को लिया, हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया, ये सब क्या सीन है, वो आज हम लोग पूरा अच्छे से एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं देखती हूँ कि हाउ इज द जोश इन द कमेंट सेक्शन, और इसी के साथ ये भी कि आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड परफेक्टली विजिबल, यस, हाँ जी, तो सब कुछ, आई होप मेरा वॉइस परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल रही हूँ आप ही पता चला कि वॉइस ही नहीं जा रहा है ना, या फिर कुछ कुछ गड़बड़। सो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, और इसी के साथ सेशन को आपने दिया है बहुत सारा प्यार, और यहाँ पर जितनी हमने बात की आपने उसको एकदम सीरियस लिया यार, है ना, और क्लास के बाद आप लोग ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन दोनों करने वाले हैं। चलिए, केक रखा हुआ इधर है ना, किसको खाना है, एनीवेज खाने के लिए तो नहीं मिल पाएगा आपको केक शेक, लेकिन स्टिल आप बाहर जाते हैं और कुछ ना कुछ सामान जब लेकर आते हैं तो आप किस, ऐसा ये कोई बहुत ओल्ड मेथड नहीं है, वेइंग मशीन तो आई थिंक सबने देखा होगा, है ना, नहीं देखा है केमिस्ट्री लोगे, आगे तो केमिस्ट्री लैब्स में भी आपको मिल जाएगा, हालांकि इसको खास यूज नहीं करते, पर स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में ब्रीफ तो कर ही दिया जाएगा। तो वेइंग मशीन सबने देखा है क्या होता है कि आप जब भी बाहर कोई सामान लेने जाते हैं तो आपके पास ऐसा दो ये होता है प्लेट्स, है ना, एक जगह जो आपने सामान लिया है, दूसरे जगह आपके पास वेट्स रखे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लेट्स से ऐसा वैसे पेस्ट्री या केक, कभी कोई ऐसा लेता नहीं है, बट लेट्स से मेरे को यार 1 kg क्या लेना है, 1 kg केक लेना है, ठीक है, तो 1 kg केक के लिए हम लोग कैसे मेजर करेंगे, यहां पर मैंने आपका केक रखा और यहां पर आपका 1 kg का वेट रख दिया, जैसे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा यानी कि सेम लेवल पर आएगा, इसका मतलब दोनों तरफ वेट सेम है, और आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास यहां पर आपका जो सामान रखा है उसका वेट कितना है, 1 kg है, करेक्ट है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज कल हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पर आपने थोड़ा सा ये सोचा कि यार ये मास किसी भी चीज का बता पाने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, हमें ये वेट्स चाहिए, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये सब मिलता है ना मार्केट में, इनफैक्ट तुम लोग ऐसा जिमिंग शिमिंग करते हो तो यार उसमें भी ऐसा 2 kg वेट, 3 kg ये सब लेते हैं ना, तो वो
पहले से बनकर आया। आपने कभी सोचने की कोशिश की यार उनको कैसे पता चला कि इतना वेट 2 kg होता है ना? 2 kg तो ठीक है, पर ये 1 kg कहां से आया? कितना मास को 1 kg कहेंगे आप, है ना? किसी ने तो यार कभी हमारे होने से पहले किसी ने तो ऐसा डिसाइड किया होगा कि यार इसको कहेंगे 1 kg, है ना? कितना मास 1 kg कहलाएगा, ये बात कहां से निकलकर सामने आती है? थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि यार जिसने 1 kg दिया है वो किस बेसिस पर दिया है। करेक्ट, तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, व्हाट इज 1 kg? क्योंकि आप लोग ऐसा वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हो, कहते हो कि यार मेरा वेट है 40 kg, बट व्हाट इज 1 kg? किस बेसिस पर आप कह रहे हो कि इतना वेट 1 kg होगा, है ना? 1 kg को सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए 1 kg के साथ क्या सीन था, हमें तो नहीं, साइंटिस्ट को, केमिस्ट को एक सिलेंडर मिला इस तरीके से, ठीक है? सिलेंडर जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, एकदम प्यारा ब्यूटीफुल ब्लू कलर का, हाउएवर वो ब्लू नहीं था, अलॉय का था, मतलब इट वाज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो आपके पास ऐसा एक सिलेंडर मिला, राइट, जो कि इरिडियम और प्लैटिनम का बना हुआ था। एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि ये सिलेंडर किसका बना हुआ था, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा आपका वो आप उस माहौल में पहुंच पाए कि अच्छा ऐसे हमारे पास 1 kg आया, थोड़ा सा समझ पाए सिर्फ इसलिए, ठीक है? तो हुआ क्या, हमारे पास एक सिलेंडर हमने लिया यार जो कि किसका बना था, इरिडियम और प्लैटिनम का बना था। अभी जब भी आपके पास ऐसा मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं, ठीक है? तो उनको मिला और उन्होंने कहा कि देखो यार इसको आज के बाद हम लोग 1 kg बोलने वाले हैं, ये जो सिलेंडर आपके सामने रखा है इसको आप क्या कहेंगे कि यार ये 1 kg होता है। अब बस जब उन्होंने कह दिया कि यार इतना वेट, देखो उनको कुछ नहीं पता इसका वेट क्या होता, उससे पहले कुछ पता ही नहीं है वेट के बारे में, है ना? उससे पहले कभी वेट की बात ही नहीं हुई, उनको नहीं पता वो वेट कितना है। उन्होंने सिर्फ कह दिया कि यार आज के बाद इसको 1 kg मानना है और इसके रिस्पेक्ट में सारे वेट्स बताते जाना है कि अगर इतना वेट 1 kg होता है तो बाकी तो हम बता सकते हैं, है ना यार? देखो अगर मेरा वेट, नहीं नहीं किसी और की बात करते हैं ना, तो अगर 2 लोगों का मुझे वेट पता नहीं है पर मैं ये तो बता सकती हूँ कि कौन किससे कितना हैवी है, है ना? कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं। मेरे पास अगर 2 सामान है, इफ आई हैव 2 boxes, तो मैं ये तो बता सकती हूँ ना कि ए बॉक्स और बी बॉक्स में हैवियर कौन है, यानी कि कंपैरिजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी 1 kg के रिस्पेक्ट में आप हर एक चीज का मास बता सकते हो कि अगर इसको 1 kg कहते हैं तो इतना मास 40 kg होगा या 60 kg होगा या 2 kg होगा, ये बात समझ आई? तो यहाँ से आपकी वो जो मास की यूनिट, आप हर जगह आजकल ये 1 kg 2 kg और अपना अपना मास चेक करते हो ना, ऐसे आता है यार, ठीक है? अच्छा, तो एक्चुअली जो है ना केजी, अभी तक उन्होंने रेफरेंस को, आई मीन सिलेंडर को एक रेफरेंस सेट किया। उन्होंने क्या किया, केमिस्ट लोगों ने ये जो आपका सिलेंडर है ना, ये जो अपना सिलेंडर मिला उसको उन्होंने क्या कहा कि यार इसको रेफरेंस ले लो। तुम ये सोचो यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केजी, ये केजी क्यों कहा उसको, है ना? और बनी क्यों कहा, 2 kg बोल देते, है ना? तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि इतना ऐसा स्पीड फास्ट नहीं हुआ कि उन्होंने सीधा उसको सिलेंडर देखा, ऐसा भविष्यवाणी हो गया कि इसको 1 kg कहेंगे, नहीं। उन्होंने उसको क्या कहा, रेफरेंस कहा कि देखो हर चीज का मास इसके रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। तो जब उन्होंने उसको रेफरेंस मान लिया तो हमारे पास लेट से कोई ए नाम का बॉक्स था, ये ए है, ए तो हमारा वैसे भी फेवरेट ही है ना? तो ए नाम का एक उन्होंने बॉक्स लिया और उस बॉक्स का वेट जब वो चेक करने लगे, करेक्ट, तो यहां पर उन्होंने पाया कि उनको नया 10 सिलेंडर्स रखने पड़ रहे हैं। कितने सिलेंडर्स रखने पड़ रहे हैं यहां पर, 10 सिलेंडर्स रखने पड़ रहे हैं, तब ये दोनों प्लेट्स आपस में इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। अब तुम तो यार इंटेलिजेंट हो, आपने सुना आकांक्षा मैम ने क्या कहा, मैं बोल रही हूं यार कि आपने कोई ए नाम का बॉक्स लिया, ठीक है, ए नाम का बॉक्स लिया और रखा, और उसके बाद वेइंग बैलेंस में रखने के बाद उसकी जगह उसके साथ आपको दूसरे प्लेट में 10 सिलेंडर्स रखने पड़ रहे हैं। कौन से वाले सिलेंडर्स, ये वाले 10 सिलेंडर्स। इसका मतलब तो बहुत आसान है मैम, यहां पर आपके पास ये जो ए बॉक्स है ना, ये जो आपका ए फॉर, हां जी, तो ये जो आपके पास ए बॉक्स है इसका मतलब इसका मास 10 सिलेंडर्स के मास के बराबर है। दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ 10 सिलेंडर्स, है ना? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को अभी देखो केजी नहीं पता है, केजी अभी उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन नहीं किया है ना, उनको बस सिलेंडर्स पता है कि आपके पास ए बॉक्स का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ दीस 10 सिलेंडर्स, करेक्ट है? फिर इसके बाद क्या हुआ यहां पर, अच्छा देखो यार, तो उन्होंने बोल दिया कि ए बॉक्स का मास कितना है, 10 सिलेंडर्स के बराबर है। फिर उन्होंने बी भी लेकर आ गए,
ऐसा बी बॉक्स लेकर आए और बी बॉक्स के लिए उनको पता चला कि यार यहां पर ना 20 सिलेंडर्स रखना पड़ रहा है। ये भी आसान है, मतलब एकदम सिंपल है कि मैम देखो जब आप कौन सा सिलेंडर ले रहे हो, ए वाला सिलेंडर ले रहे हो, सॉरी ए बॉक्स ले रहे हो, है ना, ए तो बॉक्स है, तो उसके लिए आपको कितना यूज करना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 10 सिलेंडर्स, है ना। और जब हम बी बॉक्स ले रहे हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, बहुत सिंपल बात है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक। तो बी बॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ 20 सिलेंडर्स, कूल। आहा, अब मैंने पहले भी जब पढ़ाया था तो यही कहा था कि यार जरा सोचो, आज तक कभी केजी बना ही नहीं होता और हम लोग अपना मास ऐसे बताते हैं कि देखो यार मेरा मास इज इक्वल टू 40 सिलेंडर्स, तेरा मास इज इक्वल टू 60 सिलेंडर, ये टेबल का मास इज इक्वल टू 100 सिलेंडर्स और ये बुक का मास इज इक्वल टू 0.5 सिलेंडर्स। कैसा लगता है ये? बहुत ज्यादा सिलेंडर नहीं हो जाता, है ना? ऐसे अच्छा लगेगा, देखो मेरा वेट इज इक्वल टू 40 सिलेंडर्स, बिल्कुल मजा नहीं आया ना, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो आपका सिलेंडर जिसको जो मिला था प्लैटिनम और इरिडियम का बना, उसको हमने रेफरेंस सेट कर दिया और उसको हमने रेफरेंस सेट करने के बाद, क्योंकि ऐसा कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा है इसको यूज करना, हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया और एक सिलेंडर के मास को 1 kg बना दिया। क्या कहा कि यार एक सिलेंडर के मास को क्या बोल देते हैं, 1 kg बोल देते हैं। तो यहां से उनके दिमाग का बल्ब जला कि यार सुनो ऐसा करते हैं, ये जो अपना एक सिलेंडर है ना उसका मास कहते हैं कि जी ये तो 1 kg है। अब देखो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, ए का बॉक्स का मास, हाँ है ना, ए बॉक्स का मास विल बी इक्वल टू 10 kg, ऐसे कह दो 10 kg। देखो यार ए का मास कितना है, 10 सिलेंडर्स के बराबर, और एक बॉक्स का मास कितना, एक सिलेंडर का मास इज 1 kg, तो 10 kg हो गया। वेरी सिमिलरली दिस इज 20 kg, तब ऐसा सिलेंडर का कोई सीन नहीं रहेगा, हम सिलेंडर का बात नहीं करेंगे, 10 kg, 20 kg, whatever kg, we will talk only in terms of kg, हम अपना मास kg यूनिट के टर्म्स में रिपोर्ट करेंगे। यहां तक सबको समझ आया? तो देखिए kg का यूनिट यहां से निकल कर आता है, वो जो मास की आप बात करते हो वो यहां से निकल कर आया, पर हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग किसके साथ डील करते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं यार, बड़ी बड़ी चीजों से नहीं डील करते हैं हम, छोटी छोटी प्यारी प्यारी खूबसूरत चीजों के साथ डील करते हैं जो आंखों से दिखती भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है, है ना, है ना, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आहा, उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बेचारा इतना सा है ना, उसका मास तो मैं लगता है केजी में आएगा, उसको ऐसा सिलेंडर से कंपेयर करोगे तुम उसका मास पता कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ऐसा दाल होता है ना, या राइस, एक राइस ले लो, क्या बोलते हैं, हाँ एक ग्रेन लीजिए, मतलब एक राइस का, मैं कहूँ इसका मास चेक कर बताओ यार कितना केजी होगा, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली मुझे बता पाना कि यार मैम ये जो एक ग्रेन ऑफ राइस है इसका इतना मास है, इतना केजी है? नहीं यार, तो बहुत मुश्किल है ना। और सोचो राइस तो वो है जो आपकी आंखों से दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, ये इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है कि दिखता भी नहीं है, तो एक एटम का मास कैसे बता पाएंगे आप? केजी तो हमारे काम नहीं आ पाएगा, वहां पर केजी से तो बात नहीं बन पा रही, ये सिलेंडर लेकर जाओगे क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहां पर हमें एक नया रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। ये जितनी बात आपको मैंने बताई वहां से आपको आई होप ये समझ आया कि एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए भी आपको एक रेफरेंस बताना पड़ेगा, जैसे हम लोग बड़ी बड़ी चीजों का मास कैलकुलेट करने के लिए केजी जो सिलेंडर से निकल कर आया वो एज रेफरेंस यूज करते हैं, वैसे ही एटम का मास भी आप तब पता कर पाएंगे जब आपके पास एक सेट परफेक्ट रेफरेंस होगा। तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अच्छा सुनो, एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, तो ये जो आपके सामने लिखा है एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट ले, कोई भी, जो भी हो आपको पसंद, क्लोरीन, किसी को भी ले लो यार, ठीक है, उसके एक एटम का मास कितना है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, है ना। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे उनको, उनका दिल किसके ऊपर आया, हाइड्रोजन के ऊपर आया। अब दिल हाइड्रोजन के ऊपर आया तो ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, रेफरेंस सेट कर लिया और कह दिया कि देखो यार मास की बात होगी तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगी। और उन्होंने क्या कहा, जैसे आप लोगों ने मास ऑफ 1 सिलेंडर को 1 kg अज्यूम किया था,
इन लोगों ने क्या किया, दिल तो हाइड्रोजन पर आया, वैसे भी आना भी चाहिए यार, हाइड्रोजन बेचारा सबसे अलग सबसे जुदा टाइप का सीन तो है उसका, उस पर दिल आना ही चाहिए है ना। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि मास ऑफ हाइड्रोजन को, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम को, वन हाइड्रोजन एटम का मास किसके बराबर कर दिया, वन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर कह दिया। क्या कहा, एटॉमिक मास यूनिट भी छोड़िए, उन्होंने वन बोल दिया, वन के आगे कोई यूनिट नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि देखो एक हाइड्रोजन एटम का मास हम वन मान रहे हैं मैम, मान लीजिए, तो अब क्योंकि मुझे पता है कि यार देखो ये जो अपना हाइड्रोजन एटम है इसके मास को वन कहते हैं, वो तो आप समझ ही सकते हो ना, उसको तो फील कर सकते हो, ये जो मैंने लिखा किधर गया, एनीवेज है ना। तो अगर मैं आपको कहूं कि देखो इस चीज का मास वन है और बाकी का बताओ, तो आप इसके रिस्पेक्ट में बाकी का चेक कर सकते हो, क्योंकि ये लाइटेस्ट है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल है ना। तो अगर मैं आपको कह रही हूं कि यार देखो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम का मास, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू वन, तो उसके बाद अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अच्छा यार बताओ कि मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, तो आप क्या करोगे, देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ यार मेरे को बताओ मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कितना है, तो मैं क्या करूंगी, हाइड्रोजन से कंपेयर करूंगी कि यार ये जो अपना नाइट्रोजन एटम है हाइड्रोजन से कितना हैवी है, मेरे को देखने के लिए मिल रहा है ये 14 टाइम्स हैवियर है। इसका मतलब नाइट्रोजन एटम का मास हम कह देंगे कि यार 14 हो गया है ना। ऐसे ही मैं आपसे पूछती हूँ कि यार मेरे को बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, वन ऑक्सीजन एटम, तो तुम लोग क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे यार ये कितना हैवी है, तो कितना निकल कर आया, 16 निकल कर आया। ऐसे ही हम लोगों ने कार्बन एटम का चेक किया, तो मास ऑफ कार्बन एटम, वन कार्बन एटम कितना निकल कर आया यार, निकल कर आया 12 निकल कर आया। आहा, खुशी का माहौल है ना, तब हो गया डेफिनेटली ऐसा पार्टी टाइप का सीन कि देखो हमने कुछ तो किया है और अब हम सारे एलिमेंट्स का मास बना सकते हैं है ना। लेकिन पार्टी नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि देखो यार ये कुछ इनफैक्ट काफी सारे एलिमेंट्स का मास तो हम बता पाए कि देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, पर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हो गए जिनका होल नंबर नहीं आ पा रहा था हाइड्रोजन के साथ, प्लस हाइड्रोजन के साथ और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, जो कभी कोई पूछने नहीं वाला है, तो यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे, विल स्टिक टू द टॉपिक। तो आपके पास यहाँ पर उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो गया है ना। हालांकि उन्होंने इसको पब्लिश भी करा दिया, उन्होंने बुक्स में पब्लिश कर दिया, रिसर्च पेपर्स में आ गया कि देखो यार आपका जो है हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का इतना लो, ऑक्सीजन का इतना लो, लेकिन प्रॉब्लम हो गया बाकी का नहीं बता पा रहे, जैसे टाइम के साथ और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनका मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं बता पा रहे। तो उनको रियलाइज हुआ कि यार ये ना रेफरेंस एटम का गड़बड़ है, हमने बिना कुछ सोचे हाइड्रोजन सबसे प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको बना तो दिया रेफरेंस, पर नहीं इससे बात नहीं बन पाएगी, दिस इज नॉट अ गुड रेफरेंस है ना, क्योंकि वो आपको सबका मास नहीं बता पा रहा है। तो हमें अपने रेफरेंस पर काम करना पड़ेगा, और रेफरेंस ऐसा रैंडमली नहीं चूज करेंगे, कुछ सेट पैरामीटर्स, कुछ सेट कंडीशंस के साथ हमें अपना रेफरेंस एटम चूज करना पड़ेगा। तो उनके पास यार वो क्या सेट पैरामीटर्स थे, यार मजा आ रहा है अगर, तो मेक श्योर बाय नाउ ईच वन ऑफ यू हैव हिट द लाइक बटन, और डेली आप लोग मेरे क्लासेस में ऐसा 8 बजे पार्टिसिपेट करने वाले हो, क्योंकि आने वाले 3 और क्लासेस में वील हैव 3 मोर क्लासेस और मोल कॉन्सेप्ट एकदम डन, और स्पेशल क्लास में उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। तो हम बात कर रहे हैं रेफरेंस की। अच्छा सुनो यार, जैसे ना वैसे मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ, मुझे पसंद भी और सब लोग को समझ भी आता है, मेरे को बनाना है क्लास का एक मॉनिटर। आहा, कम ऑन रेज योर हैंड, आकांक्षा मैम की क्लास का मॉनिटर कौन बनना चाहता है यार? आप चाहते हैं बताइए। अरे मैम क्यों नहीं है ना, नहीं नहीं आप तो चाहते हैं, पर हम तो कुछ देखेंगे ना कि यार किसको बनाए मॉनिटर है ना। तो देखिए हमारे पास क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं, क्या क्या वो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहां से आप समझ पाते हैं कि यार अच्छा ये हमारा परफेक्ट रेफरेंस एटम है, ठीक है। अच्छा मॉनिटर अगर बनाना है, मॉनिटर कौन होना चाहिए, जो क्लास में कभी कभी आता है, जो क्लास में कभी कभी दिखता है? नो मैम, जो क्लास में डेली आता है भाई, अब अगर वो आता ही नहीं है तो कैसा मॉनिटर है ना, अब वो आता ही नहीं बेचारा अपने घर पर, अलग ही सीन चलते हैं उसके, तो हमारे काम आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपका मॉनिटर कैसा होना चाहिए, जो आप क्या है, डेली प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से एटम के रिस्पेक्ट में आप क्या कह सकते हो कि एटम ऐसा हो जो हर जगह आसानी से मिल जाए, यानी कि जिसका अबंडेंस परसेंटेज अच्छा
अच्छा खासा है. अबंडेंस मतलब प्रेजेंट होना, आसपास नेचर में, इधर उधर, आजू बाजू जो चीज अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाए. जो ऐसा नहीं है कि हमने एक एटम ही ऐसा सेलेक्ट कर दिया जो बेचारा मिलता ही इतना नेचर में, प्रेजेंट ही थोड़ा बहुत है. अब जो नेचर में ही थोड़ा बहुत है उसको रेफरेंस सेट कर कर क्या होगा, है ना. तो पहला कंडीशन तो ये रहा. फिर दूसरा आपके पास कंडीशन क्या होता है, आहा ये देखो मॉनिटर के कितने सारे दावेदार है हमारे साथ, है ना. तो बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ, मैम मेरे को बनना है. चलो कल स्पेशल क्लास में बनाते हैं. बाकी इधर सुनो, नेक्स्ट क्या हो सकता है, अबंडेंस तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है मॉनिटर कैसा होना चाहिए, एकदम शांत. अब तो ठीक था पर बिल्कुल गुमसुम हो जाए अगर, बोले ही ना यार, फिर क्या होगा. कुछ नहीं होगा, उससे कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना. उसके आगे कोई 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 कुछ बोलेगा वो तो बेचारा गुमसुम. ऐसा मॉनिटर क्या होगा, उसको तो सब बुद्धू बनाकर भाग जाएंगे, है ना. तो इसका मतलब मॉनिटर को बिल्कुल गुमसुमता में पसंद नहीं आएगा. और साथ ही साथ अगर वो बहुत ज्यादा बोलता है ना, तो यार वो खुद को ही संभाल ले वही काफी है. तो मॉनिटर तो ऐसा हम बना नहीं सकते हैं जो खुद ही रुकता ही नहीं है, ठीक है. इसका मतलब अगर एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एटम ना तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए कि वो रिएक्ट ही नहीं करता, है ना. तो एक मॉडरेट रिएक्टिविटी होना चाहिए आपके एलिमेंट का, जिसको भी आप रेफरेंस सेट करने वाले हो. यानी कि यहां पर मैं क्या लिखने वाली हूं, जो मॉडरेटली ठीक ठाक रिएक्टिविटी हो जिसकी. आप बेचारा गुमसुम हो जाएगा, है इसे सब बुद्धू बना देंगे. अब बहुत ऐसा तो फिर तो गड़बड़ है ना, वो बेचारा खुद को ही नहीं संभाल पाएगा. तो मॉडरेट रिएक्टिविटी होना चाहिए, इट शुड बी मॉडरेटली रिएक्टिव, है ना. बोले यहां तक समझ आया, इसके रिस्पेक्ट में समझ पा रहे हो ना आप लोग ये सेट पैरामीटर्स या नहीं, मेरे को फटाफट बताएंगे. अच्छा इसके बाद जस्ट इमेजिन हमने जो मॉनिटर सेलेक्ट किया यार, है ना, क्लास में उसका ऐसा सीन हो जाए किसी के साथ, है ना. मतलब उसका तो ऐसा कुछ कुछ है किसी के साथ, ठीक है. कुछ कुछ छोड़ा यार, लेट से उसका भाई बहन पढ़ते हैं क्लास में, तो उसका तो सेटिंग चलेगा. अब वो अपने भाई बहन का थोड़ी ना कंप्लेन करेगा, अगर लेट से दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो मॉनिटर विल बी पार्शियल टू देम, है ना. या फिर अगर उसके साथ किसी का दिल का सीन है तो दिल के साथ सीन के साथ भी वो तो ऐसा पार्शियल हो जाएगा, ठीक है. वो पार्शियलिटी वाला सीन हमें नहीं चाहिए, है ना. तो यानी कि ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए. जो भी एटम हम चूज कर रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका ऐसा कोई नहीं होना चाहिए. यानी कि व्हाटएवर रेफरेंस एटम वी चूज शुड नॉट हैव आइसोटोप्स, नो आइसोटोप्स, उसके कोई आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए. मतलब कोई भाई बहन ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए आप जिस एटम को सेलेक्ट कर रहे हैं उसको. बोलो यार ये तीन पैरामीटर्स अभी के अभी आप लोग को लर्न हो गए, आपको ऐसा लगा कि यार ये तो घर जाकर लर्न करना पड़ेगा. मैम जल्दी से बताएंगे, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच. बोलो बोलो बोलो, बहुत सारे थम्स अप दिख सकते हैं मुझे यहाँ पर इन द चैट सेक्शन की नहीं बताने एक बारी. बोलो बोलो, हाँ जी. तो हमारे तीन, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सब कंडीशन तुम्हें क्या लगता है कौन सा एलिमेंट होगा अपनी पीरियोडिक टेबल से जो ये सारे के सारे कंडीशंस को फॉलो कर पाएगा. सोचिए जरा कौन है वो, कौन है, कोई तो है ना, है ना, कोई तो कर ही देगा सारी कंडीशंस फॉलो जो जो आप चाहते हो, बताइए. तो देखिए यहां से हमें पता चला कि यार अपना कार्बन होता है, कौन होता है, कार्बन. फाइनली किसको डिसाइड किया गया, कार्बन को आपका सेट रेफरेंस डिसाइड किया गया, कार्बन 12. ये पढ़ते हो ना तुम लोग कार्बन विद मास नंबर 12 जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसको फाइनली रेफरेंस एटम बनाया गया. अपने क्लास का मॉनिटर कौन है अपनी पीरियोडिक टेबल का, कार्बन. अच्छा मैम कार्बन अबंडेंट होता है क्या, एक बार क्रॉस चेक तो कर ले, ऐसा कैसे हो गया. हाँ जी कार्बन तो बिल्कुल अबंडेंट होता है. एक बात बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, कार्बन, है ना. कार्बन का ही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ है उसमें नहीं, कार्बन के कंपाउंड है. कभी थोड़ा बहुत दो तीन एटम लग जाए तो कोई फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, बस इतनी सी बात है तो अदरवाइज पूरा कार्बन केमिस्ट्री. तो यहां पर आपके पास क्या सीन होता है, कार्बन तो हर जगह है, यानी ऑर्गेनिक मैटर में तो बहुत सारा कार्बन कंटेंट आपको मिल जाएगा. हम लोग ऑर्गेनिक हैं, पेड़ पौधे ये सब कुछ जितना भी कुछ है आसपास आपके ऑर्गेनिक, उस पर अच्छा खासा कार्बन कंटेंट है. मतलब अबंडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्बन के साथ. कार्बन इज मॉडरेटली रिएक्टिव, अच्छा खासा रिएक्शन दिखाता भी है, और ऐसा भी नहीं है कि नेचर में उसने हद ही किया हुआ है और किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है,
ऐसा भी नहीं है, है ना? जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं कि उनका एक्सट्रीमली हाई रिएक्टिविटी है, ऐसा कुछ, ऐसा भी नहीं है, तो सही है, सिंपल नॉर्मल सीन है। और इसके आइसोटोप्स, ओहो आइसोटोप्स तो होते हैं मैम, मैम ये नहीं आप कह सकते। देखो कार्बन 12 होता है, और फिर इसके दो आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं यार, एक तो आपका होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14, है ना, पढ़ा है ना आपने, एक होता है कार्बन 13 एंड नेक्स्ट वी हैव कार्बन 14। फिर ऐसे कैसे इसको आपने रेफरेंस कहा, क्योंकि देखिए है तो सही पर फर्क पड़ता है क्या, है ना, दिल लगा वाला सीन तो है पर फर्क ही नहीं पड़ता। देखो कैसे नहीं पड़ता, क्योंकि कार्बन 12 जो आपका आइसोटोप होता है उसका जो आपका अबंडेंस रहता है, यानी कि अगर नेचर में ढूंढने जाएंगे आप कार्बन में को, अगर आप नेचर में ढूंढने जाएंगे तो आपको 99.1% कार्बन 12 मिलेगा, है ना। तो ऐसा कार्बन अगर मैं नेचर से लेकर आऊंगी तो 99% मेरे हाथ में कौन सा कार्बन आएगा, कार्बन 12 आएगा। वहीं अगर आप कार्बन 13 या कार्बन 14 आइसोटोप की बात करते हैं तो इनका अबंडेंस बहुत कम है, यानी ऐसे सोचो कि ये 0.8% और ये 0.1, इतना भी मैंने कह दिया इनका इतना भी नहीं होता और भी कम होता है, ठीक है। तो आप देखिए अभी तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कार्बन इतना है नेचर में इतना बहुत ज्यादा 12 वाला और बाकी इतने कम है कि उनका होने दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वी कैन इग्नोर देम। हम ऐसा समझ सकते हैं कि कार्बन 12 अकेला ही है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि यार कार्बन 12 फाइनली अपना क्या होने वाला है, रेफरेंस एटम होने वाला है। सो वी हैव अपना रेफरेंस एटम विच इज कार्बन 12, ठीक, परफेक्ट है। अभी तक आपका रेफरेंस एटम कौन था मेरे को बताओ, अभी तक आपका रेफरेंस एटम था हाइड्रोजन, है ना, अभी तक आपका रेफरेंस एटम हाइड्रोजन था। अच्छा जब आप हाइड्रोजन एटम को लेकर चल रहे थे तो आपने तो ऐसे बोला था कि देखो यार मास ऑफ कार्बन तो यार 12 होता है, फिर आपने बोला कि मैम मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, ये सब देखा ना हमने, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, और मास ऑफ हाइड्रोजन को हमने 1 अज्यूम किया था। और साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया यार, उन्होंने तो इसके ऊपर बुक भी पब्लिश करा दिया, सबको बता दिया देखो इसका 1, इसका 16, इसका 14, इसका 12, है ना। अब अगर 12, 14, 16, 1 चेंज कर दोगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा केमिस्ट्री में, है ना। अब आप सोचो कि आज हमें रियलाइज हुआ कि यार ये कार्बन भी गलत है, है ना, और अगर आज हमें रियलाइज हुआ कि कार्बन भी गलत है और फिर हम एक दूसरा रेफरेंस सेट कर रहे हैं तो आप सोचिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन बुक में इन्हीं मासेस के अकॉर्डिंग पहले ही हो चुका है ना। फिर तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ जाएंगे जो शायद फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हर जगह कैलकुलेशन कर चुके हैं कि कार्बन का 12 के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन का 14 के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन का 16 के अकॉर्डिंग। तो अभी भले ही हमारे पास एक नया रेफरेंस एटम निकल कर आया है पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा कि हमारे ये नंबर्स नहीं बदले, है ना, कर दो यार ये रेफरेंस चेंज करो बट नंबर्स नहीं बदलो यार, ये उस टाइम का सीन था। तो हमने ये कैसे किया इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो यार अब हमें क्या करना है, कार्बन के रिस्पेक्ट में सबका मास बताना है, यानी कि हर एक एलिमेंट का मास शुड कम कार्बन के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे आप इसको, तो उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो भाई अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को देखते हैं तो जो आपका मास ऑफ वन कार्बन एटम होता है, अभी अभी हम थोड़ी देर पहले देख कर आए कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना, 12 हाइड्रोजन एटम, 12 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। इतनी बात में किसी को प्रॉब्लम है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं इस बात में किसी को प्रॉब्लम है यार, थोड़ा और अच्छा सा लिख देते हैं, है ना। देखो मास ऑफ वन कार्बन एटम जो आपका है दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, इस बात में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, तो यार ये ठीक है। क्या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ क्या, देखना एक बारी आकांक्षा मैम क्या लिखने वाली है, कि यार मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, है ना, एक हाइड्रोजन एटम का मास, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, ऐसा कह सकते हैं, हाँ जी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो बहुत सिंपल सी मैथ है कि भाई अगर कार्बन एटम 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, ये 12 दूसरे साइड चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/12 आ जाएगा, 1/12 दी मास ऑफ कार्बन एटम की नहीं, कह दो यस मैम जल्दी से, कम ऑन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अगर आपको यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं जिनका भी आपने अभी अभी मास कैलकुलेट किया है, मतलब जैसे कि पहला नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, जैसे आपने नाइट्रोजन का 14 किया था तो 14 किसके रिस्पेक्ट में था, 14 आपका था मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में। आप क्या कहते थे, देखो मैं आपको लिखकर बताती हूं, आप कह रहे थे कि यार मैम मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम जो है
दैट इज इक्वल टू, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीखने जा रहे हो, ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे, इसलिए 14 टाइम्स दी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है ना, इट इज 14 टाइम्स दी मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। और अभी अभी आपने सीखा कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम को आप क्या कह सकते हो, 14 इंटू, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाय 12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ऐसा कह सकते हैं हम लोग की नहीं, अभी अभी आप पीछे देखकर आए हो कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय 12 दी मास ऑफ कार्बन 12 एटम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया, नंबर भी नहीं बदल रहा है, देखो 14 16 सबका सबके साथ रह रहा है, 14 16 32 कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके बाद आगे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बाय 12 द मास ऑफ कार्बन 12, 1 बाय 12 मास ऑफ कार्बन 12, 1 बाय 12 कार्बन 12, ये 1 बाय 12 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम वो आपसे कहना चाह रहे हैं, है ना। अब देखो ऐसे तो बोलने में बड़ा ये लगेगा यार कि मास ऑफ क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 इंटू मास ऑफ 1 अपॉन 12 कार्बन 12 एटम, ये तो बहुत बड़ा हो गया है ना, ऐसा बोलेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, तो क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास ये चीज हर बार कॉमन आ रहा है, ये जो इधर मैंने येलो से अंडरलाइन किया है, क्योंकि हर बार यार ये कॉमन ही आ रहा है, क्यों नहीं हम इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लें, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, ये 1 अपॉन 12 मास ऑफ कार्बन, 1 कार्बन 12 एटम। बुक्स में अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि इट इज दी मास ऑफ 1 बाय 12 दी मास ऑफ कार्बन 12 एटम, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप देखिए क्यों लिखा है, आपको शायद समझ आया होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसको यूनिट बना दिया और इसको बोल दिया 1 AMU, बोल दो यार, इसका मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, जैसे केजी होता है ना, वो सिलेंडर का मास क्या बोला था, अच्छा नहीं लग रहा सिलेंडर बोलने में, तो 1 kg बोल दिया, ऐसे ही इसको हमने क्या बोला, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया, यानी कि 1 AMU। आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड दिस, है ना, आगे बढ़े, बोलो बोलो। तो देखो अपना जो नाइट्रोजन है उसका कितना मास हुआ, 14 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का कितना हुआ, 16 एटॉमिक मास यूनिट, सल्फर का कितना हुआ, 32 एटॉमिक मास यूनिट, इजंट इट, कहिए फटाफट, बस देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग, कितना दिमाग वाला काम किया, और ज्यादा लगाना भी नहीं था, सिंपल सिंपल सी बातें थी, है ना। आपके पास नाइट्रोजन का मास अभी भी 14 है, ऑक्सीजन का मास अभी भी 16 है, और सल्फर का मास अभी भी 32 है, लेकिन आपने अपना रेफरेंस बदल दिया है, रेफरेंस अब हाइड्रोजन नहीं है, हर किसी का मास कार्बन के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ये देखो हर किसी का मास आप किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, कार्बन के रिस्पेक्ट में, आपका रेफरेंस एटम बदल चुका है पर मास नहीं बदला है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड वैल्यू इस तरीके से डिजाइन किया है 1 upon 12 into mass of carbon 12 atom. I hope you have all understood this. और यही आपका atomic mass होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं atomic mass. एक atom का mass जिसके लिए unit क्या आती है, AMU, atomic mass unit. Nitrogen का atomic mass कितना होता है, 14 atomic AMU. Oxygen का 16, इसका इतना, उसका उतना. आया बात समझ सबको, है ना यार, यहां तक मेरे ख्याल से किसी की life में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास दूसरे कैटेगरी का मास आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। सोचिए जरा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा यार, कौन कौन बता सकता है, कम ऑन क्विकली, व्हाट इज दिस रिलेटिव एटॉमिक मास, बोलो बोलो यार, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कम से कम जितने स्टूडेंट्स हैं उतना तो लाइक्स होना चाहिए सेशन पर कि नहीं, है ना, सो कम ऑन क्विकली हिट द लाइक बटन, चलिए। और वैसे हम लोग ऐसा डेली ही मिलने वाले हैं, एवरी डे डेली डेली मिलेंगे 8 बजे, आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा लेट तक चलेगा, क्योंकि मेरे को ये पूरा फिनिश कराना है, 4 lectures में पूरा मूल कॉन्सेप्ट फिनिश करना है ना, थोड़ा लेट मतलब मैं ऐसे कोई 2 घंटे की क्लास नहीं लेने वाली हूँ, ट्राई करेंगे कि ऐसा कम से कम 80 minutes to 90 minutes तक की क्लास आपकी हो, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मास ऑफ ए, अगर आप ए की बात कर रहे हो, ये जो आपके पास ए है इसका मास कित, मैं आपको बता लूं क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। तो देखो जी, आप जैसे बॉक्स को याद करो, आपका फेवरेट बॉक्स ए वाला, है ना, तो देखो ए बॉक्स को हम याद कर रहे हैं, उसका मास कितना था, 10 kg था, ऐसे ये बी बॉक्स का मास कितना था, 20 kg था, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मास ऑफ बी कितना है रिलेटिव टू ए, मतलब बी के बी का मास ए के रिस्पेक्ट में कितना है, तो आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल है, आप क्या कहोगे, रिलेटिव मतलब मेरे को कंपैरिजन देखना है यहां पर, है ना, कि कंपैरेटिवली उसका कितना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप कहोगे कि यार मैम देखो ऐसा कर दो आप, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय दी मास ऑफ ए, है ना,
भाई बी का चेक करना है ना आपको विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी का कितना है 20 केजी और ए का कितना है 10 केजी, सो दिस विल बी 20/10 विच इज 2। तो यहां पर मेरे को बताओ इसका यूनिट क्या निकल कर आएगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, बोलो बोलो, यूनिटलेस। ओए हेलो, दिस विल बी यूनिटलेस। अच्छा सुनो, मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ये जितना लिख रही हूँ जितना पढ़ा रही हूँ पूरा पीडीएफ उधर मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। कल की जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसका लिंक आपको वहां पर मिलेगा, तो प्लीज उसको ज्वाइन करिए, मेरा नाम से है, अनअकैडमी पर मैं आपको मिलती हूँ और सारा लिंक्स उधर शेयर करती हूँ, तो उसको ढूंढ लेना, है ना, प्री क्लास है कल, वो स्पेशल क्लास जो ऐप पर होती है। यूनिटलेस, तुम तो यार प्यारे बच्चे हो, तो इंटेलिजेंट है, यूनिटलेस। अरे यार मैम इसमें इतनी बड़ी बात ही नहीं है, देखो ना ये भी के जी ये भी के जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में व्हेन यू हैव द सेम यूनिट यू विल हैव यूनिटलेस, जो आपका क्वांटिटी है दैट विल बी यूनिटलेस, है ना। तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, के जी से के जी कैंसिल, तो यूनिट बचा ही नहीं। सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव मास क्या होता है, यूनिटलेस होता है। लेकिन यहां पर हमने रिलेटिव मास की बात की, वो जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, हमारे लिए यहां पर जरूरी क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि एटम्स का मास कैसे आप रिलेटिव डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बताती तो आपको शायद मुश्किल लगता, पर आप देखिए अभी आपको काफी आसान लगेगा कि यहां पर आपका जो आर ए एम है, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू वॉट, आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है यहां पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, कि भाई लेट्स से कार्बन के एक एटम का कितना मास है, डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यहां पर रेफरेंस कौन होगा, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में आप मास चेक करोगे, रिलेटिव मास यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेटिव, किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड वैल्यू अपनी, वही जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई थी प्यारी प्यारी, कौन, 1/12 द मास ऑफ कार्बन, 12 एटम यार, वही आपकी क्या बन जाएगी यहां पर, स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसको आप क्या कहते हो, वन एटॉमिक मास यूनिट कहते हो, है ना, वन एटॉमिक मास यूनिट जिसको हमने कहा था। तो यार यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग चेक कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, नाइट्रोजन का, है ना। अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का चेक कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, कि एक नाइट्रोजन एलिमेंट के मास कितना है, डिवाइडेड बाय आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। तो कितना होगा बताओ, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन आपने अभी पीछे देखा तो था 14 मल्टीप्लाइड बाय ये स्टैंडर्ड वैल्यू, और यहां पर भी क्या है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी, तो देखो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होगा कि नहीं, क्योंकि डिवाइड किससे करना है, एटॉमिक मास यूनिट, ये 1 AMU से डिवाइड करना है हमेशा, और आपका नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 AMU होता है, तो एक तरीके से ये ऐसा ही तो हो गया 14 AMU/1 AMU, तो यहां पर AMU to MU will cancel and you will have just 14, 14 is the relative atomic mass for nitrogen, जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, ऑब्वियसली इसका भी यूनिट नहीं होगा, दिस विल बी यूनिटलेस, AMU to MU cancel, ठीक है, तो इट विल बी अगेन यूनिटलेस। सो दिस इज हाउ यू हैव योर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने अभी तक दो बातें सीखी हैं, हमने एलिमेंट तो नाइट्रोजन ही लिया, लेकिन नाइट्रोजन का एक मास मेरे पास निकल कर आया 14, बोलो बोलो, AMU, which is the atomic mass for nitrogen, और दूसरा कौन सा मास निकल कर आया आपके पास, दूसरा हमारे पास निकल कर आया है 14 यूनिटलेस, विच इज आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां मैं लिख भी देती हूं, दो तरीके के मास हमने सीखे, अब आपको समझ में आ रहा है किसके साथ कौन सा यूनिट जाता है, क्योंकि यूजुअली हम लोग ये नहीं समझ पाते यार, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, इसको एटॉमिक बोल रहे हैं, इसको रिलेटिव बोल रहे हैं, इसको मोलर बोल रहे हैं, इसको मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, हाउ इज इट सो, है ना, शायद आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर दिस इज योर एटॉमिक मास, 14 आपका क्या बन जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, 14 इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास, बस आया बजा, कह दो। अच्छा यार ये सब ठीक है मैम, लेकिन फील तो तभी आता है, देखो मास को ये आपको बताया तो फील तो तभी आता है कि देखो ये इतना ग्राम है, ये इतना केजी है ना, मास का फील तभी आता है ना, अब ये इतना AMU है, ये इतना ये है, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है ना, फील नहीं आ रहा है फील, तो मास का फील तो लेना ही पड़ेगा। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है मैम कि नाइट्रोजन का भी मैं मास ऐसे बता पाऊं कि यार ये इतना ग्राम है या ये इतना केजी है, ठीक है ग्राम केजी से ये बहुत कम होगा, लेकिन 10^-1 में कुछ तो ऐसा बता सकते हैं ना कि इतना केजी हो, तो ऐसा किया गया, ऐसा आप बता सकते हो। तो देखो हमारे पास विद टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, ऐसे ऐसे नए नए मशीन आए, जो आपके सामने आपको दिख रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से
अब आप एटॉमिक लेवल पर भी जाकर मास एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राम्स में कितना आएगा वो कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उन्होंने क्या किया, कार्बन जो आपका होता है ना कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप होता है उसका मास चेक कर लिया। क्योंकि देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना और ध्यान से समझना, अभी मेरे पास हर चीज का मास जो है किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, अरे एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, AMU है ना यार। देखो मैं कह रही हूं मास ऑफ नाइट्रोजन, आप बोल रहे हो मैम 14 AMU है ना, मैं बोलती हूँ कि यार ऑक्सीजन का भी बता दो, कहते हो यार 16 AMU, फिर मैं कह रही हूँ कि कार्बन का 12 AMU, सबका आप ऐसे एटॉमिक मास यूनिट में बता रहे हो। व्हाट इफ मेरे को ये पता चल जाए कि यार ये 1 AMU जो होता है वो कितना kg के बराबर होता है, हाउ मेनी kg इज दिस AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो फिर तो मजा आ जाएगा। इन सबका मास हम ग्राम और केजी में बता सकते हैं, देखो केजी में बता सकते हैं, फिर ग्राम में तो हम खुद कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके पास हर एक एलिमेंट का एब्सोल्यूट मास निकल कर आएगा, वो भी ग्राम्स में। मजेदार बात है ना। तो ऐसा करते हैं एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 1 AMU kg उसका चेक कर लेते हैं। फिर यहां पर हमारे पास क्या आता है, देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट यार था क्या वैसे, सोचो जरा, इट वॉज 1/12 द मास ऑफ 1 carbon 12 atom, कार्बन का 12 वाला जो आइसोटोप होता है उसका 1/12 अगर कर दिया जाए उसके मास का, तो 1 atomic mass unit ऐसे ही डिफाइन किया था आपने कि नहीं। ये तो यार बहुत सिंपल है, इसका मतलब है मास स्पेक्ट्रोमीटर वो जो मशीन था अपना उसको लो और उससे कार्बन 12 के एक एटम का मास चेक कर लो कितना होता है केजी में और उसको 12 से डिवाइड करिए, आपके पास क्या आ जाएगा 1 atomic mass unit का वैल्यू आ जाएगा। वैसा ही किया भी गया तो हमें वो मशीन के हेल्प से पता चला, वो जो आपने अभी अभी इंस्ट्रूमेंट देखा ना पीछे, नॉट एग्जैक्टली मशीन बट देन विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट आप समझ पाए कि एक आपका जो कार्बन 12 एटम होता है उसका मास कितना रहता है 1.9926 × 10⁻²³ निकल कर आया। हाउ मच 1.9 × 10⁻²³। तो यहां से एटॉमिक मास यूनिट पता करना आप तो बड़ा आसान है ना, इसको यार ये जो सामने लिखा है तुम लोग के इसको 12 से डिवाइड कर दो। सुनो ये किसी को लर्न नहीं करना, ये बस आपको समझाने के लिए, ये मास ऑफ 1 carbon 12 एटम नहीं लर्न करना है, क्या ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगी और वो ध्यान भी आपको खुद ब खुद हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा है ना। फिजिकल में ऐसा तुम लोग सोचते हो कि यार इसको भी लर्न करना होगा क्या मैम, ये भी करें ये भी, ये फॉर्मूला इतना सारा फॉर्मूला कैसे लर्न करें। फॉर्मूला जिसको ऐसा लगता है ना कि लर्न करना होता है, पहले तो आपका आपकी सोच ही गलत है, आपका नजरिया गड़बड़ है उसमें, ठीक है। कभी भी फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए बनते ही नहीं है, फॉर्मूलाज को कभी लर्न नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। एक ही फॉर्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन करो, नोटबुक अपने सामने खोल कर रखिए जिसमें फॉर्मूला आपके सामने हो, साइड बाय साइड उसको देख देख कर फॉर्मूला देखते रहो क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व करते रहिए। आप सेम फॉर्मूला पर 3 क्वेश्चन करोगे अपने नोटबुक से, आप फॉर्मूला देखोगे उसके बाद जैसे जैसे आप 4th, 5th, 6th क्वेश्चन तक आओगे ना आपको नोटबुक देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपके दिमाग में ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला प्रिंट हो चुका होगा, आप खुद ब खुद उसको ध्यान रख पाएंगे। तो फॉर्मूला की हमेशा यही स्ट्रैटेजी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाइए, भले ही आपको नहीं आता आप बार बार देखिए साइमल्टेनियसली अपने नोट से, 3 क्वेश्चन तक देखोगे मैक्सिमम, 4th, 5th, 6th तक अपने आप आपको वो फॉर्मूला रट चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे यहां पर भी वैल्यूज के साथ ऐसा ही होगा, जो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है वो आपको खुद ब खुद ध्यान रह जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कल की स्पेशल क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, पर कल की स्पेशल क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए उसके लिए हमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना भी पड़ेगा आज, है ना। तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। तो हमने वैसा किया, इसको यार डिवाइड कर दिया 1/12 से, है ना, कर दिया 1.6 × 10⁻²⁴ आ गया आपके पास। आहा, तो इसका मतलब कुछ समझ आया आपको, आहा तो बोल रहे हो आप, बोलो 1 atomic mass unit = 1.6 × 10⁻²⁴ के इक्वल होता है, यही लिखा है ना, है ना, है ना, हाँ जी ये आपको पता चल चुका है। इसके हेल्प से मैं ये भी कह सकती हूँ कि यार 1.66 × 10⁻²⁷ kg के इक्वल होता है, ये भी तो कह सकते हैं आप कि अगर वो 1.66 × 10⁻²⁴ के इक्वल है तो उसको केजी में हमने कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज 1 kg = 1000 g, सो ऑफ कोर्स इंटर कन्वर्जन आप जानते हैं, है ना। तो 1 atomic mass इतना निकल कर आया, तो यार अब तो मजा ही आ गया। देखो ना नाइट्रोजन का मास मेरे को बताना है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ये तो मैं आराम से ग्राम्स में बता पाऊंगी,
क्योंकि देखो मेरे को पता है वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है ना, आई नो मेरा वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴. सो इफ आई मल्टीप्लाई दैट विद 14, आई विल हैव द एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स या फिर इन केजी, है ना, आप एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू बता पाओगे. अच्छा ये तो मैम बहुत मजा आ गया, अब आएगा आपको अलग मजा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई. पता है क्या ये क्या होता है बताइए, Na, दिस इज अवोगैड्रोस नंबर. इसको क्या बोलते हैं, अवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं. यार ये तुमने पढ़ा होगा, है ना, ऐसे मुंह मत बनाना, व्हाट इज दिस Na, है ना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ये जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10³³ होता है. ठीक है, तो आप देखिए 1/Na जब हमने किया, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या सामने निकल कर आई, कि जब आपने ऐसा अवोगैड्रो नंबर को 1 से डिवाइड किया, यानी कि 1/6.022 × 10³³ जब आपने कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो आपके पास क्या निकल कर आया, 1.66 × 10⁻², यही निकल कर आया. आहा, मतलब तुम भी कर देख सकती हो, ये कोई बहुत हाईफाई टाइप की बात नहीं है, है ना, सिंपल ही है कि भाई 6.022 × 10³² को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करेंगे, कैलकुलेटर में कर भी देख सकते हो आप, तो 1.66 × 10⁻²² आ रहा है, विच इज क्या है, ये यही तो होता है. अगर इसके आगे ग्राम लगा दूं तो वन एटॉमिक मास यूनिट यही तो होता था, है ना. तो यहां से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सा हमारे सामने निकल कर आया कि यार वन, अब देखो मैं पूरा कंक्लूजन लिख रही हूं, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻². नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.66 × 10⁻². सो इफ यू रिपोर्ट इन ग्राम इट इज −24 ग्राम, इफ यू रिपोर्ट इट इन केजी इट इज −27 kg, एंड देन इफ यू हैव द रेसिप्रोकल ऑफ अवोगैड्रो नंबर दैट इज 1/Na, दिस विल बी, बोलो बोलो, इसके आगे ग्राम लगा दो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट. जहां जो दिल चाहे, और दिल चाहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां जैसा जरूरत लगे आपको क्वेश्चन में, आप वो वाला वैल्यू यूज कर सकते हो. सो लेट्स से इफ यू आर सपोज टू रिपोर्ट योर आंसर इन ग्राम्स, तो आप इनमें से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हो. अगर आपको केजी में करना है, आप इसको यूज कर सकते हो, है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन, वी कैन यूज कोई सा भी वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तीनों ही सेम बात है. आई होप आपको ये समझ में आया है, क्योंकि यहां से अब मैं आपसे जो पूछने जा रही हूं वो आप लोग को मुझे बताना है, है ना. आई विल बी आस्किंग यू वन वेरी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, एंड आई वुड वॉन्ट टू सी कि आज हमारी क्लास का, यू नो, हु इज द स्मार्टेस्ट वन टुडे इन माय क्लास, जो मेरे को बता पाएगा कि यार मैम देखो नाइट्रोजन एटम का मास ना इतना होगा. देखते हैं आप में से कौन बता पाएगा, लेट्स सी, है ना. चलो ये तो खैर सब बता देंगे जितने स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं, कि यार एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, किसके बराबर होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल. तो 14 × 1.66 × 10⁻², या फिर इसके इक्वल, तो यहां से निकल कर आ जाएगा कि नहीं, ये तो बड़ा आसान है यार, है ना. अगर मैं ग्राम में पूछ रही हूँ, ग्राम में पूछ रही हूँ तो तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, केजी में पूछ रही हूँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, उसको बताने से पहले थोड़ा सा मेरे को जोश वापस से दिखना चाहिए बहुत सारा, और थोड़ा सा थम्स अप हो जाए, या अपना ऐसा फेवरेट फेवरेट जिसका जो पसंद हो वो वाला इमोजी सेंड कर दो यार, है ना, सो दैट मुझे समझ आए कि हाँ मजा तो आपको आ रहा है, प्लस कि हाँ आप समझ पाए हो चीजों को, है ना. और इसी के साथ आई होप यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन. नो, हमने तो अभी भी कंजूसी किया है मैम, है ना. तो यार लाइव में कम से कम 1K तो पहुंचाओ उसको. नो, वी आर नॉट यूजिंग हाइड्रोजन एटम एज द रेफरेंस एनी मोर, वी आर यूजिंग कार्बन 12 एज द रेफरेंस एटम. मित्री बोल रही है कि यार मैम इनडायरेक्टली तो हम हाइड्रोजन ही यूज कर रहे हैं. नहीं, वो तो आपके दिमाग में है, आपने दिमाग में ऐसा क्रिएट कर लिया इसलिए आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पहले हाइड्रोजन को यूज किया गया फिर डिस्कार्ड कर दिया इसलिए आपको लग रहा है. नहीं तो जो इंसान ये फॉर्मूला देखेगा, बताओ एक बारी, वो कह रही है मैम हम इनडायरेक्टली अभी भी तो हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं. नहीं, आप इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं कर रहे हो, वो तो हमारे उसको सही वैल्यू देने का तरीका है, मैंने आपको पूरा मेथड समझाया, है ना. अगर किसी के सामने सीधा ये लिखा आ जाए, ये लिखा हुआ है, बताने एक बार ये स्लाइड मैंने जो ओपन किया है कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है
ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम होता है, या फिर इस तरीके से ऑक्सीजन का इतना, कार्बन 12 इसका इतना। तो यहाँ पर साफ साफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से क्या दिख रहा है कि कार्बन 12 को यूज कर रहे हैं हम रेफरेंस, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हर किसी का मास बता रहे हैं। हम ये वैल्यू नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए हमने इसको नॉर्मलाइज किया, इसको नॉर्मलाइज करना कहते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा टेक्निकल टर्म्स आपको पता होना जरूरी नहीं है, वो आपके काम का नहीं है। तो इसको हमने क्या किया है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसा किया है, बाकी हर जगह कार्बन 12 भी यूज हो रहा है। तो भेजा सबने अपना अपना फेवरेट इमोजी। यार तुम लोग फेवरेट इमोजी भेजने में भी इतना कंजूसी करते हो, मुझे लगा कि ऐसा बहुत सारे हार्ट्स से भर जाएगा हमारा चैट सेक्शन, तुमने तो ऐसे अलग अलग टाइप के भेजे हैं। क्या भेजा है देखें। ये कौन है ऐसे कह रहे हैं, मैम ये बताओ कि जोश कहां पर दिखाएं और कैसे दिखाएं, है ना। आपका अपना तरीका होना चाहिए जोश दिखाने का, आंसर करिए बहुत ज्यादा और पार्टिसिपेट करिए बढ़िया, हर दिन क्लास में आएंगे तो लगेगा कि हाँ यार तुम लोग भी पूरा पूरा चाहते हो, है ना। क्योंकि जब आप लोगों की तरफ से इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन पूरा होता है, 100% होता है, तो मैं मुझे भी यू नो आई ऑल्सो फील दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे पहले ही पता है, लेकिन आई फील इट मोर और अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, मजा आता है ना। NEET 24, ओए हेलो, ये देखो NEET 24 कोई प्यारे प्यारे यंग एस्पिरेंट है हमारे जिन्होंने ऐसे लिखा है। मैम एवोग्राम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, एवोग्राम तो कुछ नहीं होता है, एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए द बेस्ट पार्ट इज कि ये लेक्चर कहीं जा नहीं रहा है ना, लेक्चर खत्म होने के बाद भी एक दो बात आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे सिलेबस भी फिनिश कराना है, मैं हर चीज बहुत ऐसा इलेबोरेट कर ही समझाती हूँ, तो आप सुनेंगे तो आई एम श्योर आपको समझ आएगा, नहीं आया तो यू कैन रीच आउट टू मी, आपको पता है मैम कहाँ कहाँ मिलती है ना, तो आप मुझसे अलग से भी पूछ सकते हो। पर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मुझे सबका ध्यान रखना है और हमें अपना जितना पढ़ना है उतना फिनिश भी करना है यार, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक समझ आया, ठीक है। अब यार मोलर मास सुना है आपने, मोलर मास सुना होगा ना, मोलर मास क्या होता है हमें नहीं पता मैम, या पता भी है तो आपको ये बताऊंगा कि एक मोल का मास इज मोलर मास, विच इज ट्रू, एक मोल का मास मोलर मास होता है, पर ये मोल क्या होता है, व्हाट इज दिस मोल, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट पे व्हाट इज इट दैट मोल स्टैंड्स फॉर, मोल आपको क्या कहना चाहता है, बहुत सिंपल बात। देखो यार जैसे मैं आपको कहूँ 1 dozen pen, 1 dozen मतलब 12 pen, 1 dozen बनाना मतलब 12 bananas, 1 dozen apple मतलब 12 apples, है ना। ऐसा ही अगर मैं आपको कहती हूँ 1 mole, 1 mole मतलब 6.022 × 10³ entities, इसका मतलब जिस भी चीज के आगे मोल लग रहा है वो 6.022 × 10³ है, कितना है 6.022 × 10³ है, जिस भी चीज के आगे आप क्या लगा रहे हो, मोल लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 1 mole आकांक्षा मैम, है ना, तो ये पर आकांक्षा मैम आपके पास 1 mole हो जाए तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, आकांक्षा मैम तो काफी यूनिक, ओनली 1 and only, लेकिन स्टिल इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6.022 × 10³ आकांक्षा मैम से, आहा कर लो इसको एक्सपैंड कर लो, 6.022 के आगे इतने सारे 0000, इतनी सारी आकांक्षा मैम है आपके पास, है ना। अब लेट्स से आपके पास 6.022 × 10³ मेडिकल कॉलेज हो जाए, कॉलेजेस हो जाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में, पढ़ाई छोड़ दोगे तुम लोग, है ना, क्योंकि सबको ही गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगा, है ना, इंडिया में अगर इतना मेडिकल कॉलेजेस हो जाएं तो सीट खाली भी बच जाएंगी, डेफिनेटली बची जाएंगी, इतना ज़्यादा अगर हो जाएगा तो, है ना। तो समझिए आप कि 1 mole स्टैंड फॉर वॉट, 1 mole मैं कहूँ आपके पास 1 mole मनी है, मनी है ना, आहा बस काम, मतलब कुछ करने का तो जरूरत ही नहीं है, आप भी मजे करेंगे, आपके लोग आने वाले भी मजे ही करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो 1 mole मनी मतलब क्या हुआ, यू हैव 6.022 × 10³, इतना इसके आगे रुपीज लगा दो या जो भी करेंसी आप लगाते हैं, दैट मच ऑफ मनी, दैट मीन्स जिस भी चीज के आगे मोल लगा दिया जाए वो चीज 6.022 × 10³ बन जाती है। एंटिटी स्टैंड हियर फॉर जिस भी ऑब्जेक्ट या फिर जिस भी चीज को या जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रेफर कर रहे हो, एंटिटी यहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, तो यानी 1 mole एवोगैड्रो नंबर टाइम्स होता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल
हाँ, एग्जाम्पल से पहले मोलर मास को हम यहाँ पर डिफाइन कर डालते हैं कि मोलर मास क्या होता है. तो मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस. ग्राम में, ग्राम्स में, दोबारा सुनिए, ग्राम्स में वन मोल सब्सटेंस का कितना मास होगा उसको क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास किसी चीज का वन मोल है. अब उस, जैसे कि आपके पास किसी चीज का वन डजन है, तो वन डजन बनाना का कितना मास हुआ वो अगर आपको पता चल जाए तो आप बता दोगे कि वन डजन बनाना का इतना मास है. ऐसे ही अगर, मतलब 12 बनाना का मास इज इक्वल टू वन डजन बनाना का मास. वही अगर आपको वन मोल का मास पता है, मतलब आपको 6.022 × 10³ सामान का मास पता है, दैट इज योर मोलर मास. ग्राम्स में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है. तो देखिए, मोलर मास जो आपका होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, क्योंकि हम हमेशा ग्राम में रिपोर्ट करते हैं. हालांकि आपको बुक्स में काफी बारी ग्राम पर मोल देखने के लिए मिलेगा, इनफैक्ट ज्यादातर आपको ग्राम पर मोल ही देखने के लिए मिलेगा. ग्राम पर मोल क्यों लिखते हैं, पर मोल का मतलब है एक मोल, कि आप वन मोल को डिफाइन कर रहे हो तो इतना ग्राम है वन मोल का, दैट इज हाउ यू डिफाइन योर मोलर मास, ठीक है. पर मोल है ना एक मोल का, इसलिए मोल से डिवाइड कर दिया तो पर मोल आ गया. अच्छा, अगर मैं आपको कहती हूँ आपके पास वन मोल आईफोन्स हैं, है ना, तो इफ यू हैव वन मोल ऑफ आईफोन्स, और मैं आपको कह रही हूँ कि यार देखो आपके पास एक आईफोन का मास है ना, तो अगर आपके एक आईफोन का मास जो है कितना होगा यार, सोचना कुछ भी बता, 400 ग्राम है ना. लेट्स से यू हैव 400 ग्राम मास है आपके एक आईफोन का, ठीक है. अब मेरे को ये बताओ कि वन मोल का मास कितना होगा, जल्दी से बता दो. मास ऑफ, ये तो सब बता सकते हैं, इतने तो प्यारे लगते हो मुझे तुम लोग, प्यारे इन द सेंस इंटेलिजेंट, है ना. मास ऑफ वन मोल ऑफ आईफोन्स कितना होगा, बोलो बोलो, चलिए बताइए, बोलिए क्या ख्याल है आपका. हाँ, सिंपल है मैम. देखो यार, देखो 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 देखो, जिसकी लाइफ में थोड़ी हलचल आ गई हो अगर, ओ माई गॉड, ये तो बहुत मुश्किल है यार, ये कैसे होगा मैम, ये तो वेरी डिफिकल्ट सीन है ना, इतना सारा मैथ करना पड़ेगा यहाँ तो. नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा. यही क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगता अगर मैं आपसे ऐसे पूछती कि देखो बेटा, मास ऑफ वन आईफोन जो है आपका, है ना, मैं आपको अगर कहूँ कि यार 400 ग्राम है, अब मेरे को बताओ कि मास ऑफ 3 आईफोन्स कितना होगा, तो आपके लिए तो बड़ा आसान है भाई. मैम, एक का 400 है तो 3 का 3 × 400 ग्राम हो जाएगा, विच इज 1200 ग्राम, है ना यार, यही तो कहेंगे आप. अच्छा, तो मैंने आपसे ऐसे ही तो कुछ पूछा है, यही तो बात मैंने आपसे पूछी है कि मास ऑफ वन मोल आईफोन्स कितना होगा. वन मोल भी तो एक क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना. वन मोल क्या कह रहा है कि 6.022 × 10³ आईफोन्स का मास कितना होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू, या तो आप इसको देखो, लिखने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप कह सकते हो 6.022 × 10³ × 400 होगा, क्योंकि 400 एक आईफोन का मास है, या फिर आप कह सकते हो कि यार मैम देखो 400 NA होगा, बिकॉज NA here represents your Avogadro number, which is 6.022 × 10³ कह दो, यस. और जी ये ग्राम्स में होगा, है ना, 400 ग्राम था कि नहीं, तो ग्राम में निकल कर आएगा. ये होता है मोलर मास. आहा, ठीक है, ये कोई मुश्किल था बताना, सच्ची बताओ, वॉज इट लाइक ओ माई गॉड दिस इज सो मुश्किल. मैम कितना आसान है, आपने खुद ही बता दिया. जितना क्वेश्चन अभी तक मैंने आपसे पूछा आपने खुद ही बता दिया. अगर आप सही फ्लो में मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आप हर बात का आंसर खुद ब खुद बता पाएंगे. कुछ रट्टाफिकेशन तो आपको 100% लगने नहीं वाला है, ठीक है. तो आप देखो, अगर पहली पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको सब समझ आ रहा है, क्योंकि आप हर बात का आंसर कर पा रहे हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे बताएंगे, आप पता चलेगा बेटा कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, है ना. ऐसे तो बड़ा यस मैम वहां पर बैठे बैठे गर्दन हिल रही है तुम लोगों की, है ना. आया आया, समझ आया, अब पता चलेगा आप लोग का, है ना. मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन आप बताइए कितना होगा, कैलकुलेट कर बताएंगे इन ग्राम्स. सो हियर यू आर सपोज टू टेल मी व्हाट विल बी द मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स. चलो जी बताओ, बोलो बोलो. मैम हम कैसे बोले, आवाज नहीं आ पाएगी आप तक हमारी, है ना. तो बेटा लिख दो इधर चैट सेक्शन में, देख पाएंगे हम. ग्राम में बताना है, ग्राम्स, देखते हैं कितने इंटेलिजेंट हैं आप. और यार देखो, वापस से मैं याद दिला रही हूं, जितना पढ़ा रहे हो उतना प्लीज रिवाइज कर लेना, है ना, करोगे ना,
रिवाइज करना है आज सोने से। कितना मजा आया पढ़ने में कि नहीं, ऐसा मजे मजे में पढ़ेंगे हम लोग डेली, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं एकदम ऐसा फ्लैट पढ़ाऊंगी, ऐसा होता है वैसा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्योंकि स्पेशली केमिस्ट्री वैसा सब्जेक्ट नहीं है, ऑलरेडी इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना फ्लैट और प्लेन पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो आई ट्राई टू कीप माई क्लासेज लाइट, आसान, कम्फर्टेबल फील हो आपको, और उसके बाद भी आप थको नहीं ऐसा इधर से, और आपके पास इतना हो कि आप रिविजन भी कर पाए, है ना। तो ऐसा बस मेरे ख्याल से इफ़ यू फ्लिप द पेजेस अपने अपने नोट्स के, आपको सब कुछ रिकॉल अपने आप होता रहेगा। बट मेक श्योर यू डू दैट, और नोट्स आपने आज ही पूरे करने हैं। या फिर लेटेस्ट रूल बना लो कि लेटेस्ट बिफोर योर स्पेशल क्लास, मतलब स्पेशल क्लास 3 बजे रहा करेगी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले तो पक्का ही नोट्स पूरे होने चाहिए। किसी का बिल्कुल ही नींद इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा, हमें बहुत नींद आता है ना, हम नहीं बना सकते रात को बैठकर नोट्स, तो बेटा प्लीज़ सुबह मैक्सिमम 3 बजे से पहले तक आपको वो नोट्स पूरा कर कर आना है। मेरे को आंसर गड़बड़ भी मिल रहे हैं, सही भी मिल रहे हैं, सो आई हैव मेनी आंसर्स हियर, बट मोस्ट ऑफ देम आर गड़बड़। ठीक है, क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? देखिए, सुनिए सुनिए, अरे यार तुम लोग का किधर गया, हाँ जी। तो देखिए, इतना सिंपल था, अगर तुमने कैलकुलेटर्स बाहर निकाला है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे इतना इतना मल्टीप्लाई वगैरह, अगर तुमने ये किया है, बहुत ही बुद्धू हैं आप, ठीक है, पर कोई बात नहीं, ये वाला चलता है क्योंकि ये सब लोग ही मैक्सिमम गड़बड़ करते हैं। पर समझिए इसको करना क्या था। देखो, 1 मोल नाइट्रोजन का मास तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कहेंगे कि देखो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम जो होता है मैम, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। अब मास ऑफ 1 मोल का मतलब है कि हमें मास ऑफ 6.022 × 10²³ नाइट्रोजन एटम्स का मास कैलकुलेट करना है, इजंट इट। तो यार आपको नहीं लगता कि, मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि यहां पर हमें क्या करना है, 6.022 × 10²³ को आप लोग, सॉरी 1 लिखा है, 14 होता है ना, 14 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर यू विल मल्टीप्लाई दिस टू 14 AMU, बट देन यू विल हैव योर मास, एटॉमिक मास यूनिट के साथ आएगा, आपका ग्राम में तो नहीं आ पाएगा। तो अगर आप ग्राम में लेकर आना चाहते हो, तो आपको क्या लग रहा है कि यार मैम देखो ग्राम में बड़ा आसान है मैम, ऐसे कर देंगे ना यार, 6.022 × 10²³ × 14, एंड देन सिंस एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10²−24 ग्राम, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है, गलत तो नहीं है यार, पर ऐसे नहीं करना था, ठीक है, इतना टाइम निकल जाएगा आपका, इसको ये नहीं करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए था, देखो मैं आपको बताती हूँ। हमें पता है कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम जो होता है, देखो बार बार इतना डिटेल में समझा रही हूँ सो दैट कोई मुश्किल नहीं आए आपको किसी भी स्टेप में, कितना होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर, 6.022 यानी कि अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास बताना है, विच विल बी इक्वल टू 14 AMU into Na, but since I am supposed to report my answer in grams, therefore मैं क्या करूंगी, यहां पर ये जो आपका atomic mass unit है यार, है ना, इसकी जगह में याद करो कि हमारा जो 1 atomic mass था, मास यूनिट था, दिस वॉज इक्वल टू 1.66 × 10²−24 ग्राम, एंड दिस वॉज ऑल्सो इक्वल टू 1/NA ग्राम, याद आया कुछ कुछ, ये 1/NA ग्राम के बराबर था कि नहीं। तो अटोमिक मास यूनिट की जगह आप 1/NA ग्राम लिख सकते हो, और यहाँ एन ए से तो पहले ही आपने मल्टीप्लाई किया, ये देखो इसकी जगह आपने 1/NA ग्राम लिख दिया, बिकॉज दिस वॉज योर वैल्यू जो आपको वहां से मिला था। तो देखो एन ए से एन ए जाएगा, अरे वाह 14 ग्राम्स निकल कर आया है, क्या नाइट्रोजन का मोलर मास, सो नाइट्रोजन का मोलर मास इज 14। देखो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, नाइट्रोजन ही है, एलिमेंट हमने बदला नहीं, जब हमने उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट किया तो 14 एटॉमिक मास यूनिट आया, और हमने इसको क्या कहा, एटॉमिक मास कहा, We called it atomic mass. फिर हमने इसका दूसरे टाइप का मास कैलकुलेट किया जो अगेन 14 ही निकल कर आया, जिसका कोई यूनिट नहीं था, और हमने उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा। फिर हमने एक तीसरे टाइप का मास कैलकुलेट किया, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उसका डेफिनेशन भले ही अलग है पर वैल्यू सेम ही आया, कितना आया, 14 ग्राम आया है, उसका यूनिट क्या है, ग्राम है, और इसको हम क्या कह रहे हैं कि यार ये 1 मोल का मास है, मोलर मास है। तो आई होप आज के बाद आप लोगों को कभी भी मास
के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार इतने सारे अलग अलग टाइप के मास, हर किसी का वैल्यू सेम आ जाता है, पर देखिए हर कोई आपसे एक अलग बात कहना चाहता है। एटॉमिक मास यूनिट अलग है, एटम का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली सब कुछ अल्टीमेटली मास ही है, पर देखिए हर किसी का डेफिनेशन अलग है, हर कोई आपको कुछ नया बता रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 नहीं बदला, लेकिन पीछे का यूनिट बदल गया और यूनिट के साथ फिर आपका टाइप ऑफ मास बदल चुका है। आई होप इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा मिलेगा मोलर मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, कहीं आप गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। जल्दी से बताओ, यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, है ना, वेरी गुड, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका मतलब वन मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास होता है कितना, 14 ग्राम, अभी अभी आपने यहां पर कैलकुलेट किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, फिर इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आपका कल के लेक्चर में स्टार्ट होगा। अच्छा यार, मेरे को ना एक बारी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हमने ऐसा मेधावी शॉर्ट्स आपका जब स्टार्ट किया था ना, तो मेधावी शॉर्ट्स में मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पढ़ाया है अभी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि मोल कॉन्सेप्ट का अल्टीमेट क्या बोलते हैं पार्टी वही है, तो मैं वो कल भी पढ़ाऊंगी, पर हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लास ओवर नहीं हुई है, मॉलिक्यूलर मास तो पढ़ लो पहले। देखो भाई मॉलिक्यूलर मास, अरे देखो नाम से समझ आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये भी ग्राम में रिपोर्ट करते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए तो उसका मास, जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार H2O, H2O एक मॉलिक्यूल है, पानी क्या होता है, इट इज अ कंपाउंड, कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल उठा लो, एक वाटर का मॉलिक्यूल, अब उसका मास जितना आएगा दैट विल बी इसका मॉलिक्यूलर मास, बताओ कितना होता है, सबको पता है मैम, 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1, देन बिकॉज यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम हियर, है ना, वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स हियर एंड देयरफॉर 2 into मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच, 1, राइट, एंड देन ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, 16 into 1, सो दिस इज 18 ग्राम, कूल 18 आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यार मेरे को ना इसका मास बताओ, MgSO4.5H2, what will be the molecular mass for MgSO4.5H2, ये आपने मेरे को बताना है अभी के अभी, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, और फिर सेशन को लाइक के बिना नहीं भागना है और कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस के बिना नहीं भागना है, क्योंकि यहां से मुझे आपका एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट और अटेंडेंस समझ में आएगा कि इतने स्टूडेंट्स वाकई सीरियस हैं, और फिर मैं देखूंगी कि हर दिन लगातार जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना, तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर वाकई अपना ये इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन बरकरार रखते हैं, है ना, वहां से वो सीरियसनेस समझ आती है कि कितना वाकई आप दिल से चाहते हो कि हाँ मैम पढ़ाएं और हाँ हम डेली पढ़ेंगे। हालांकि आई एम हैप्पी टू सी द पार्टिसिपेशन डिस्पाइट द फैक्ट कि एकदम अचानक से क्लास था, है ना, मैंने तो नहीं बताया था आपको कि क्लास ऐसा हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, बट देन इट हैपेंड दिस वे कि वो आपका आज से स्टार्ट हो गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट हमारा क्लास शेड्यूल हुआ, तो हालांकि मैंने आई थिंक आज डे सुबह सुबह बताया आपको, है ना, बट देन इवन देन आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने ऐसा इन्वॉल्वमेंट दिखाया, और आंसर अगर आप सही दे देंगे तो बस फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। कितना बोल रहे हो, 210 लॉक किया जाए, पक्का, आर यू ऑल श्योर, कैसे होगा 210? देखिए यहां पर आपको क्या करना था, अगर आपने ऐसे किया है कि एक मैग्नीशियम एटम का मास 24 प्लस सल्फर का कितना आता है 32, फिर चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन बोले तो यार 16 into 32 विच इज 64, करेक्ट, सो इसका टोटल कर दो, प्लस 5 into 18, बिकॉज 18 इज द ये पानी का मास और 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 into 18 कर दो यार, तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा ये। अगर आपने ऐसे किया है आपका आंसर परफेक्ट है, पर कुछ कुछ होते हैं हमारे प्यारे एंड इनोसेंट टाइप के स्टूडेंट्स जिनका मैथ से थोड़ा दिल ज़्यादा लग जाता है ना, लगता नहीं है लगा लेते हैं, ठीक समझ रहे हो ना इस बात को, तो देखो क्या होता है फिर वो ऐसे करते हैं, अच्छा यार यहाँ पर तो डॉट लगाया हुआ है, डॉट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब 5 into 18 ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, वो इसको ऐड करने की जगह ये जो आपका यहाँ पर ये ऐड हो रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखा है मैंने ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, ये गड़बड़ है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, आप मतलब समझिए इसमें इतना मास जुड़ रहा है, इतना टाइम्स नहीं बढ़ रहा है ये मास, इतना गुना बढ़ नहीं रहा है, इतना टाइम्स आपका ये मास बढ़ नहीं रहा है, इसमें इतना मास, 5 times the mass of water
ऐड हो रहा है, आपके कंपाउंड में पांच पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो पांच मॉलिक्यूल अपना वेट लेकर आ रहे हैं, तो 5 × 18 उसको ऐड कर दो। तो ये दिस इज द करेक्ट अप्रोच। ऐसे अगर आपने क्वेश्चन किया तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़। ठीक है, तो यहां तक आई होप यू आर ऑल क्लियर। जल्दी से बताएंगे इतना, ईच वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। बोलो यार, अब यहां से कल मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। मूल कॉन्सेप्ट बहुत मजा आता है सबको ही पढ़ने में। एंड इनफैक्ट देखो, फिजिकल का तो हमने आज शुरुआत किया, मजा आया ना। अच्छा, जब फिर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इससे भी कम से कम 2 times ज्यादा मजा तो आपको पक्का ही आएगा। ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि शायद आपने वैसे नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट को फिनिश कर फिर हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, और फिर ऑर्गेनिक कल के बाद 3 और क्लास विल बी डन विद दिस यूनिट। साथ ही साथ मैं आपको वापस से ध्यान दिला दे रही हूँ कि यार देखिए, आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है। आपको लग रहा है, लगता है अगर कि यार मैम अच्छा पढ़ाती हैं, समझ तो बहुत सही आता है, सोचिए आप मैम के साथ पूरा साल के लेकर जुड़ जाएंगे, यानी कि तब तक जब तक आपका एग्जाम है तो आपको नहीं लगता है जब पढ़ाई अच्छे से होगी, चीजें आपको समझ अच्छे से आएंगी, टीचर के साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाएगा और कोई कंफ्यूजन का सीन ही नहीं रहेगा, है ना। मेरे को सिर्फ मेहनत करनी होगी, मेरे को मतलब आपको, है ना, सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी इधर उधर कोई दिमाग नहीं लगाना, कौन सा बुक यूज करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, डाउट किधर पूछना है, किसका क्लास लगाना है, कुछ नहीं। यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। पहले आपको दिख रहा है 1 महीना पहले कि ये वाली मैम की क्लास इस टाइम पर होने वाली है, बायोलॉजी इस टाइम, फिजिक्स इस टाइम होने वाला है ना, तो क्या नेक्स्ट लेवल पर आपका तैयारी जा सकता है कि नहीं। तो और मैं यही मानती हूँ यार कि इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, तो एक बारी तो बनता ही बनता है कि आप सही तरीके से उस एग्जाम के लिए जिसके लिए आपने अपने मन में सोचा है कि यार मेरे को यू नो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट ग्रैब करना है, तो उसके लिए एक बार तो बनता है कि आप पूरा अपने आप को ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाए बाद में कि यार ये हो जाता तो बेटर था। क्योंकि देखिए, गाइडेंस का अपना अलग एक रोल होता है, और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हर वो बच्चा जुड़ा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, है ना। तो देखो यार, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, वैसे नॉर्मली 10% रहता है ना। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, आप थोड़े टाइम बाद ज्वाइन करने वाले हैं, अभी मौका बेटर है, बैच भी नया नया लॉन्च हो रहा है, तो यहाँ पर 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। कोड आप ये यूज करेंगे तो पूरी हमारी जो टीम है, हर किसी की क्लास आप देख पाएंगे। इनफैक्ट अनअकैडमी में जितने टीचर्स पढ़ाते हैं सबसे आप पढ़ सकते हैं, सबका गाइडेंस आपको मिलेगा, सबका सब कुछ जो आप चाहते हैं। ठीक है, प्लस आइकॉनिक में अगर कंफ्यूजन है तो यू गो विद आइकॉनिक, क्योंकि वहां पर आपको एक पेंटोर मिलते हैं, एक गाइड मिलते हैं, यू हैव अ पर्सनल गाइड थ्रू आउट द ईयर जो बेस्ट समझते हैं कि आपके लिए सही क्या है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं किसके लिए क्या काम करता है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सो दे नो इट। And we have a customized study plan for you in case of Iconic. Also, आपके parents भी आपका activity track कर सकते हैं because we have the parent app and then Unacademy study material आपके घर तक चलकर आ जाता है hard copy form में। ठीक है, ब्रह्मास 3.0 batches waiting for you, और उसमें सबसे ज्यादा excited है आकांक्षा मैम आपका welcome करने के लिए with the orientation day on 15th of September. तो वहां पर मिलेंगे, प्लस क्लास में आपके और हमारी बात होगी, आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, साथ ही साथ वी विल डिस्कस द कंप्लीट प्लान। मेरे साथ साथ आपको और भी देखिए बहुत बढ़िया टीचर्स मिल रहे हैं बोथ फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मेक श्योर यू जॉइन अस देयर टाइमली। और आज जैसे हमने किया है प्रॉमिस कि मैम पढ़कर आएंगे, इसको मैम रिवाइज करेंगे, तो जी पढ़कर आना है ये वाला पार्ट, फिर कल की क्लास मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। सो मेक श्योर यू रिवाइज दिस। दैट वाज ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल टुमारो 8 PM ऑन यूट्यूब, 3 PM इन दी स्पेशल क्लास। मेक श्योर यू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर। ऑल्सो लाइक बटन हिट करना है, राइट, एंड देन डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर एंड गुड नाइट।